नहीं, तो बेटा जैसे 10th में आपके क्या होता है, सिंपल सॉल्ट, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ठीक है ना। सिंपल सॉल्ट जैसे आप पढ़ के आए हो, सिंपल एक कैटाइन और एनाइन्स मिलकर उत्पन्न होता है ना, जैसे मानो K2CO3 है ना, K2SO4, NaCl, ये सब सिंपल सॉल्ट है। डबल सॉल्ट है ना, ये याद करो मैंने केमिकल बॉन्डिंग के जब चैप्टर आए थे, पीरियोडिक टेबल या केमिकल बॉन्डिंग, तो आपको प्लस वन में भी पढ़ाए थे, ठीक है। तो सिंपल डबल सॉल्ट क्या होता है, जो दो सिंपल सॉल्ट का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन उन दोनों सिंपल सॉल्ट ने आपस में रिएक्शन नहीं करी, ठीक है। तो सौरभ बताओगे वो ये जो डबल सॉल्ट में हमने दो सॉल्ट सिंपल सॉल्ट आपस में जुड़ जाते हैं बट रिएक्शन नहीं करते, क्यों नहीं करते, याद है सौरभ? जैसे डबल सॉल्ट होता है, हाँ, डबल सॉल्ट में क्या होते हैं, दो सॉल्ट होते हैं, हम उन दोनों को आपस में मिला के हीट भी करते हैं, लेकिन वो दोनों कंपाउंड, दोनों सॉल्ट आपस में रिएक्शन नहीं करते, बस एक दूसरे में जुड़ जाते हैं। जैसे एक ने लैटिस बना ली, एक बीच के लैटिस स्पेस में ट्रैप हो गया, लेकिन उन दोनों ने रिएक्शन नहीं करी, याद है? केमिकल बॉन्डिंग ये पीरियोडिक टेबल में आया था, सिंपल सॉल्ट, डबल सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, या एच ब्लॉक वगैरह में आया होगा, मतलब मुझे एग्जैक्टली तो नहीं याद, लेकिन मैंने पढ़ा है आपकी क्लास में, और उस टाइम भी एग्जाम्पल यही बनाया था। आपको कुछ याद हो इस तरीके से कि जैसे आयरन है, आयरन CN से, मैंने कहा जब प्लस टू में जाओगे तो मैं आपको सिखाऊंगा ये मेटल होते हुए भी लोन पेयर कैसे ले रहा है, आपको कुछ याद आया? ऐसे करके मैंने बताया था आपको, है ना, ये 1 2 3 6 लोन पेयर लेता है आयरन, है ना, और इस तरीके से इस पे देखो Fe पे 2+ होता है, इस पे 6-, ओवरऑल 4- आ गया, और इसको बैलेंस करने के लिए 4 के, तो ये तो हो गया कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। हाँ, मतलब ये तो इसमें बताया था कि आयरन में क्या होता है, डी जनरेट डी होती है, तो दोनों प्रॉपर्टी रखता है भाई, इसने अपने दो इलेक्ट्रॉन लॉस करे तो जिसकी वजह से प्लस टू आया, ये आयरन का आयनिक कैरेक्टर हो गया, और CN से लोन पेयर ले रहा है डी जनरेट डी ऑर्बिटल्स में, तो ये क्या हो गया, कोवलेंट करेक्टर भी शो कर, तो आयरन यहाँ पे दोनों करेक्टर शो कर रहे, तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हो गया, ठीक है ना बेटा। और ये इसको इतने हिस्से को कॉम्प्लेक्स बोलते हैं ना। तो लेकिन एक डबल, इससे पहले मैंने डबल सॉल्ट भी पढ़ाया था, याद है कोई डबल सॉल्ट का? चलो एक फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, वो K2SO4 याद आया, Al2SO4 थ्राइज्ड 24H2, ये फिटकरी का एलम का फॉर्मूला है। हाँ, तो डबल सॉल्ट, तो देखो बेटा ये चीजें ऐसी, पता है क्या होता है, ये सब चीजें, ये छोटे छोटे सवाल, तो बेटा ये NDA के आप सवाल देखना, ये चीजें तो वहां भी आ जाती है। जैसे मान लो आपके में आ जाए इन द फॉलोइंग विच वन इज ए कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, तो अचार में से कोई एक कॉम्प्लेक्स होगा उसे पहचानना होगा, या विच वन इज ए डबल सॉल्ट, ठीक है। नहीं तो आपको कम से कम बेटा इनके एग्जाम्पल तो याद हो, क्योंकि तो NDA जैसे सवालों में कोई ज्यादा डेप्थ क्या क्यों कैसे थोड़ी आती है, मतलब कुछ सवाल होते हैं, देखो 20 ही तो सवाल आते हैं टोटल, मेरे ख्याल से साइंस के 60 क्वेश्चन होते हैं, है ना, उसमें 20-20 भी करोगे तो केमिस्ट्री के 20 बचे केवल, तो उसमें कोई वो ज्यादा क्या क्यों कैसे थोड़ी करते हैं, ठीक है ना। कुछ ही सवाल होते हैं जो डेप्थ पे बेस्ड होते हैं। तो चलो अपने पॉइंट पे आते हैं जल्दी से। तो बेटा ये जो हमारे पास होता है K4 FeCl6, जैसे आप पानी में, ये तो डिजोल्व नहीं कर रहे हो तब तक तो इकट्ठा है, और जैसे सोल्यूशन बनाओगे तो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब इसका देखो क्या क्या डेटा दे रखा है ना, वो देखो इसमें बेटा, देखो एक तो कंसेंट्रेशन दे रखी थी, है ना, कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन आपको दे रखी थी, कितनी दे रखी थी, डेसी मोलर सॉल्यूशन, याद आया, है ना, डेसी मोलर, है ना, सॉल्यूशन डेसी मोलर से क्या आ गया था, 1/10 मोलर, क्लियर, और 1/10 से हमने 10.1, है ना, ये क्या हो गया, मोल पर लीटर, याद आ गया, कंसेंट्रेशन, है ना, जिसको हम मोलारिटी, एक तो हमें ये दे रखी है, ठीक है। और उसके अलावा देखो दूसरी चीज क्या दे रखी है, डेसामोलर सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनेट इज 50% डिसोसिएटेड, तो आपको अल्फा की वैल्यू दे रखी है ना, 50% डिसोसिएटेड ए एट 300 डिग्री केल्विन, तो टेम्परेचर आपको दे रखा है बेटा 300 डिग्री केल्विन, क्लियर। एंड कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, आपको ऑस्मोटिक प्रेशर बताना है, और आर की वैल्यू दे रखी है 8.314, ठीक है, जूल कैलविन इनवर्स, है ना, मोल इनवर्स, ठीक है। चलो जी, तो अब इसमें देखो हमारे पास, हमने एक सिंपल सा भाई, ये तो पता चल गया कि सॉल्ट डिसोसिएट हो रहा है, तो हमें जब इसका ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना होगा तो हम पाई बराबर ICRT रखेंगे, क्यों रखेंगे, क्योंकि बेटा सॉल्ट है, डिसोसिएट हो रहा है, तो घंटा फैक्टर तो लगेगा लगेगा। अब बात आती है, चलो टेम्परेचर की चीज़ हमें पता है, टेम्परेचर 300 है, हमें R की वैल्यू पता है 8.314 है, हमें कंसेंट्रेशन पता है बेटा कितनी है, 10.10⁻¹ मोल पर लीटर, ठीक है, और I की वैल्यू तो हमें निकालनी पड़ेगी। तो हमारे पास क्या था बेटा, एक तरीका था, है ना, डिसोसिएशन वाला, क्या था,
है ना, आई डिसोसिएशन के केस में आई माइनस वन, क्योंकि आई क्या होता है हमेशा ग्रेटर देन वन होता है, तो आई में से डिडक्ट करते हैं एन माइनस वन, यहाँ जाके तो अल्फा कितना दे रखा है 50%, क्लियर, और आई कितना है, आई हमें निकालना है माइनस वन, यही कराया था देखो उस दिन, अभी तक तो सारा वही चल रहा है जो उस दिन कराया था। एन की वैल्यू यहाँ कितनी आएगी, एन क्या होता है सोल्यूशन में डिसोसिएट होकर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आइंस बने, तो फोर आइन ये बने, वन पूरा आइन ये, टोटल कितने हो गया फाइव माइनस वन, ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया आई माइनस वन अपॉन फोर, और इसको करोगे आप 50/100 है ना, आई माइनस वन अपॉन में क्या हो गया फोर, क्लियर। तो आप जब इनको सॉल्व करोगे, याद करो हमारे पास क्या आ गया था, आई बराबर थ्री निकल के आ गया था, अक्रॉस मल्टीप्लाई करते निकल आए, तो इस तरीके से देखो ये तो हमारे पास है ना चीज़ें हो गई, तो देखो ये तो सिंपल सिंपल है सर। उस दिन जो ट्विस्ट फंसा था वो कहाँ फंसा था, मान लो हमने थ्री की वैल्यू यहाँ लगा दी, ट्विस्ट फंसा था यहाँ पर, जो कन्वर्जन का चक्कर आ रहा था, परमजीत आया भी नहीं आया, भाई परमजीत नहीं आया आज क्या बात, हाँ परम है सौरभ, परमजीत नहीं है ना, आज कहाँ अटक गया है, चलो अभी था, अच्छा ये लेट न चलना भी अच्छी वो है, चलो आ गया, किसने फोन करा होगा सर तेरा नाम लेने, आ जा भैया जल्दी आ जा, चलो कोई नहीं। तो देखो अब अपने इस पॉइंट पे आते बेटा, कि ये जो हम उस दिन जो कन्वर्जन कर रहे थे, हम आपसे ये कह रहे थे परसों कि ये जूल, क्योंकि हमारे पास आर की यूनिट में जूल दे रखा है, ठीक है, और हमें जो प्रेशर की यूनिट आएगी प्रेशर को कन्वर्ट करने के लिए, इसको जूल का रिलेशन जो होता है, हम आपसे उससे इतना कह जा रहे थे कि नेट पे आप देख लेना कि जूल का रिलेशन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से होता है, इससे क्या होगा कि मीटर इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर की यूनिट होती है, तो हमें प्रेशर की चाहिए होती है, यूनिट क्या बनेगी यहाँ पे, भाई यहाँ पे हम यहाँ पे तो ये टेम्परेचर हो गया, ये सारी चीज हो गई, लेकिन प्रेशर की यूनिट क्या बनेगी वो आर से पता चलता है, अब आर में जूल दे रखे, जूल प्रेशर की यूनिट तो होती नहीं है, क्या। तो मैं उस दिन आपसे ये कहा, लेकिन बेसिकली जब मैंने इसको बेटा देखा तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी नहीं है ना, बल्कि इसकी रिलेशन होता है न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है, वो आप बुक में देखना है ना, वो आपके पास जो है ना, तो जूल का रिलेशन न्यूटन इंटू मीटर होता है। तो देखो मीटर आते ही क्या हो जाएगा कि हमारा जो वॉल्यूम की यूनिट होती है बेटा, वो दो तरीके से होती है, जैसे लीटर, ML वगैरह ये सब चीज़ें होती है, साथ ही साथ ये भी तो होता है, जैसे सेंटीमीटर क्यूब है ये भी तो वॉल्यूम की यूनिट होती है, जैसे 1 सेंटीमीटर का हमने क्यूब बनाया, क्लियर है पॉइंट, तो एनसीईआरटी की बुक में याद करो 11th में इस टाइप से दे रखा है, तो ये सेंटीमीटर की वजह से 1 सेंटीमीटर की लेंथ हो गई, विड्थ हो गई, हाइट हो गई है ना, तो इन सब से मिलके भी जो ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगा ये भी क्या होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब का होगा, तो सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, वॉल्यूम, तो इसमें भी आते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से बेटा वहां पे हमारे पास क्या, तो मीटर से हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम दो रिलेशन नहीं है बेटा, ठीक है ना, तो वो रिलेशन आपकी 11th की बुक में दे रखे होते हैं, आप याद करो, ठीक है, शुरुआत में स्ट्रक्चर डायग्राम होता है, क्लियर है। तो हम यहाँ क्या करेंगे बेसिकली बेटा, जैसे मैंने जब इसको देखा तो वो जो कन्वर्जन था वो बेसिकली जूल से न्यूटन पर मीटर स्क्वायर नहीं था, बट कि वो इन्होंने इस चीज को कन्वर्ट किया था, क्योंकि ये देखो हमारे पास 10^-1 मोल पर लीटर है, तो यहाँ जो लीटर है वो वॉल्यूम की यूनिट बन रही है, लेकिन इसमें हमारे पास ना तो हमें प्रेशर की यूनिट पता है बेटा, ना हमें वॉल्यूम की यूनिट पता है, तो लेकिन हम जूल को कन्वर्ट कर सकते होते हैं बेटा किसमें, है ना, और ये 1 ही होता है, जैसे आप नेट पे देखना 1 जूल इक्वल टू 1.001 या समथिंग आएगा न्यूटन इंटू मीटर, तो मतलब बराबर ही हो गया, 1 जूल बराबर 1 के हो जाता है, तो मतलब इतने ही हमारी यूनिट किसकी बन जाएंगी, जब ये जूल केल्विन इनवर्स में जाएगा, देखो जैसे क्या होता है 8.314 है, और जूल और ये चीज तो नीचे होती है ना केल्विन इंटू मोल, ठीक है, अब आप इसको अगर जूल की जगह न्यूटन इंटू मीटर रखोगे तो जब अप्रोक्सीमेटली वैल्यू मतलब बिल्कुल ही बराबर ही है, तो जूल की हट के न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगा, तो अब इसमें मीटर जो है, अगर मीटर की जगह मीटर क्यूब हो जाए बेटा किसी तरीके से, तो मीटर क्यूब क्या बन जाएगी, वॉल्यूम की यूनिट बन जाएगी, ठीक है, और प्रेशर अपॉन और एन वो प्रेशर अपॉन क्या होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, अगर हम ले लें मतलब मीटर आने से हमें दो फायदे हैं, मीटर स्क्वायर में जब जाएगा तो वो प्रेशर का यूनिट बन जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, और मीटर को क्यूब हो रहा होगा तो वो वॉल्यूम का यूनिट बन जाएगा, तो मीटर से दो फायदे होंगे हमें, तो इसीलिए बेटा वो कन्वर्जन इन्होंने जो बुक में किया था वो ये किया था कि इसको यहाँ से जो ये यहाँ पर हमारे पास जो आ रहा है ना 10^-1
मोल पर लीटर, वो मोल पर लीटर को इन्होंने कर लिया था, मोल है ना मीटर माइनस की मोल पर, जैसे मीटर क्यूब, समझ में ये कन्वर्ट किया था। जब हम इसको कन्वर्ट कर रहे थे तो ये क्या हो रहा था 10^-1, ठीक है, और इसको जब इसमें कन्वर्जन कर रहे थे तो यह हमारे पास आ रहा था 10^-3, और ऊपर गया तो याद करो क्या हो गया था 10^-1 × 10^3, तो आपके पास क्या बच गया 10^3 मोल और मीटर क्यूब, समझ में आया कि नहीं। तो वो जो उस दिन कन्वर्जन था जो हम मतलब कॉम्प्लिकेशन हमारे लास्ट में हो रहे थे वो ये थे, आगे पड़ी समझ में। तो बेटा ये चीजें हैं, तो यहाँ पर तो ये मोल पर लीटर ही है, लेकिन जब लीटर को मीटर क्यूब में चेंज करेंगे, ठीक है नहीं, तो वो हमारे पास क्या होता है 10^-3 से। वो रिलेशन कैसे बनेंगे जो मैं उस दिन समझाने की कोशिश कर रहा था कि देखो बेटा हमारे पास क्या होता है, जैसे 1 सेंटीमीटर है, 1 सीसी, क्योंकि ये जो भी मैंने क्यूब बनाया था, साइंटिस्ट लोगों ने क्या करा था, 1 सेंटीमीटर का क्यूब बनाया और उसमें पानी लिया, पानी की डेंसिटी 1 होती है, D=mv, ठीक है, तो जो उस क्यूब में वॉल्यूम आया उसको मेजरिंग सिलेंडर में ट्रांसफर किया, याद आ गया, ये प्लस वन में भी कई बार होता है ना, पढ़ाई स्टार्टिंग में पढ़ाते, इसमें जो बेटा वाटर आया उसको इन्होंने क्या करा मेजरिंग सिलेंडर में ट्रांसफर किया, तो उसमें 1, 2, 3 ml, तो ये जो था केवल 1 ml पानी हुआ, तो 1 ml जो होता है वो इक्वल किसके होता है बेटा सेंटीमीटर क्यूब के होता है, ठीक है ना, क्लियर। तो आप जैसे मान लो आप इसको 10^3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, मतलब आपने है ना इसको मल्टीप्लाई करा और 10^3 से इसको भी कर दिया, ठीक है नहीं भाई, दोनों तरफ बराबर बराबर 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये देखो 10^3 से भाई ये क्या करा, ये हमने दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लाई किया, बेसिकली ये तो इस रिलेशन से आया 1 सेंटीमीटर की वेल इक्वल टू 1 ml, ठीक है, दोनों को 1000 से मल्टीप्लाई करा 10^3 सेंटीमीटर क्यूब, और ये क्या बन जाएगा आप भी बताओ कि ये 1000 ml बन गया, और 1000 ml बराबर क्या हो गया 1 लीटर, समझ आएगा नहीं। तो इस तरीके से देखो एक ये हमारे पास जो लीटर का रिलेशन किससे आ गया बेटा, सेंटीमीटर क्यूब से आ गया। अब इसी चीज़ को आप कन्वर्ट कर सकते हो किसमें, मीटर में, भाई देखो ये कैसे कन्वर्ट करेंगे हम कि भाई देखो हम जानते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है 10^-2 meter होता है ना, आप इसका भी क्यूब कर दो, इसका भी क्यूब कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब, आप अगर क्यूब करोगे दोनों साइड बेटा है ना, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 10^-6 meter क्यूब। तो आपके पास रिलेशन आ गए कि 1 लीटर बराबर तो होता है जी इतने सेंटीमीटर क्यूब के, और 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर इतने लीटर क्यूब के, सॉरी मीटर क्यूब के, इतने इतने आप करके देखना आपको ये रिलेशन आ जाएगा, तो 1 लीटर बराबर आपके पास है ना इस तरीके से मिलके आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो इश्यू है वो समझ में आया, आप कल हम उस दिन जो कर रहे थे ये क्या हो, यहाँ से ये चीज़ बन जाएगी मोल है ना मीटर क्यूब, समझ में क्लियर। तो लीटर का रिलेशन मीटर क्यूब से क्या है वो आप अपने 11th की बुक में देख सकते हो, क्लियर है भाई। बाकी जैसे कैसे बनेगा वो जो बुक में दे रखा हो, बुक में डायरेक्ट वैल्यू दे रखी होंगी एक्चुअली बेटा है ना, तो मैंने वो कैसे बनेगा वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। हाँ जी बच्चों बताओ, उस दिन जो लास्ट टाइम पे इशू हो रहे थे अब वो ये चीज समझ में आ गई, अब तो इशू नहीं है कि ये जो कन्वर्जन उस दिन हम कर रहे थे 10^-2 आ गया ना, याद करो जिसमें एक बार वो परमजीत ने भी मतलब हमने नीचे पावर प्लस में रखी थी, प्लस वाला माइनस में जाएगी ऊपर, तो -1 × -3 − 4 लगानी थी है ना, तो वो -3 नीचे है ना, तो ये कैसे आई -3, ये क्या है लीटर का कन्वर्जन था किसमें मीटर के, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो उस टाइम पे हमने भाई 1 लीटर बराबर जो अपते जाएगा 10^-3 − 3, ठीक है नहीं, तो उसी से लीटर को हटाया 1 लीटर को और उसकी जगह मीटर क्यूब लग गया, तो लीटर और मीटर क्यूब का रिलेशन होता है, ठीक है ना बेटा, वो कैसे बनेगा वो मैंने बता दिया। हाँ जी बच्चों बताओ, वो जो उस दिन लास्ट वाली इशू था वो अब तो दिक्कत नहीं है। हाँ जी सौरभ, चलो हाँ क्या नाम है इसका, एक रंजन, रंजन बेटा, रंजन आवाज आ रही है, हाँ ये वाला कन्वर्जन जो उस दिन समझ में आ गए, उस दिन वहां हम थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे, हम भी अब भी हो रहे थे आप सब भी, ठीक है चलो। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, देखो तो इस तरीके से ये वाली चीज तो दूर हुई हमारे सामने है ना कि पाई बराबर ICRT, आई की वैल्यू 3, सी की वैल्यू क्या लगेगी, अब बेटा ये हमारे पास क्या है, ये कंसेंट्रेशन ही तो है, ये मोलैरिटी तो चल रही है इतनी देर से, तो हमने सी की वैल्यू को कन्वर्ट कर लिया किसमें, अब हम यहाँ पे 10^-1 ना लगा के क्या लगाएंगे 10^2 है ना, और इसकी यूनिट क्या हो गई मोल पर मीटर की, ठीक है, तो इंटू सी आर की वैल्यू आ गई 8.314 और यहाँ से क्या आ जाएगा टी आपके पास 300,
तो बेटा यहाँ से जो यूनिट निकल के आएगी, देखो तो उसका आंसर दे रखा था पिछली उस टाइम भी बताया था मैंने, अभी बता देता हूँ, वो दे रखा था 7.4 है ना 8 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि अब देखो यहाँ पर जो हमारी पास इसकी यूनिट बन गई है मोल पर, इसमें आ गई, तो यहाँ से जो प्रेशर की यूनिट आएगी वो किस में आएगी बेटा, है ना, मीटर मीटर स्क्वायर में आएगी, मतलब मीटर लाने था मीटर स्क्वायर में इसकी यूनिट आएगी। ठीक है, अब इसको आप क्या कहते हैं एटीएम में कन्वर्ट करना चाहो एटीएम में कर लो, क्योंकि वो देखो हमारे पास क्या होता है 1 ATM बराबर 1 ATM जो होता है दैट इज इक्वल टू 1.001 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो देखो ये भी बात वही आ गई कि 1 ATM बराबर, तो इसको हम 1 मान सकते हैं 1 × 10⁵ कन्वर्ट करना चाहो कर दो, नहीं तो कोई इशू। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से देखो ये चीज़, अब देखो ये तो हुई पुराने न्यूमेरिकल में जो हमारे सामने इशू आया था वो सॉल्व हुआ, वो रिजॉल्व हुआ। अब बात आई आई का, एक तरीका और होता है निकालने का, वो थोड़ा ध्यान से देखो। ठीक है, तो आई की वैल्यू 3, उधर से भी 3 आएगी, लेकिन कैसे आएगी थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, तो ये मैं हटा देता हूँ। ठीक है, उसको अब हमारे ये तो देखो ये तो पूरा न्यूमेरिकल एक वे से सॉल्व हो गया। ठीक है, अब बस जो मैं बताने जा रहा हूँ वो इसका सब्सटीट्यूशन है, इस हिस्से का सब्सटीट्यूशन है। ठीक है, क्लियर, क्योंकि बुक्स में मान लो किसी बुक में ये दे रखा होगा, किसी बुक में जो मैं बताने जा रहा हूँ ये दे रखा होगा। देखो बेटा क्या होता है कि एक तरीका क्या होता है, जैसे बिफोर डिसोसिएशन क्या कंडीशन है, ये पूरा बेटा एक ही मॉलिक्यूल है ना, तो ये पूरा एक मॉलिक्यूल, और जब तक डिसोसिएट नहीं हो रहा तब तक तो प्रोडक्ट बनेंगे नहीं बेटा, तो ये कितने होंगे 0 0। बताओ इतनी बात समझ में आ गई कि बेटा जब तक ये डिसोसिएट नहीं हो रहा तो ये पूरा एक ही तो मॉलिक्यूल है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक सिंगल मोल, मोल अगर हम मोल में बातें करते हैं तो बेटा है ना 1 मोल है ये, अगर मॉलिक्यूल से बातें करते हैं तो हमारे पास ये 1 मॉलिक्यूल। ठीक है, वैसे कंसेंट्रेट जो हमारी स्टोइकोमेट्री है वो तो हमसे क्या कहती है, रिएक्शन मॉलिक्यूलर रेट है ना मोल्स में नहीं बल्कि वो सॉरी मॉलिक्यूल्स में नहीं मोल में हमें काउंट करना चाहिए। ठीक है ना बेटा, क्लियर है। तो इस तरीके से देखो हमारे पास क्या कंडीशन है, तो ये 1 है और ये 0 है, और आफ्टर डिसोसिएशन बेटा क्या कंडीशन बनेगी कि ये अगर देखो 100% डिसोसिएट होता है तो यहाँ जितने भी मॉलिक्यूल है, मान लो ये एक मॉलिक्यूल है, तो वो पूरा का पूरा टुकड़ा हो गया। क्लियर, और वो पूरे के पूरे टुकड़े हो गए क्या बन जाएंगे बेटा, 4 आयन इसके बन जाएंगे और 1 आयन इसके बन जाएंगे। इतनी बात बताओ समझ में आई, इसी पे हम निकालते थे क्वांटम फैक्टर, याद करो आई बराबर आफ्टर डिसोसिएशन कितना हो गया, ये 0 ये 4 ये 1, और बिफोर डिसोसिएशन कितना है 1 + 0 + 0 ये 5/1 क्या आ गया 5। तो ये तो तब है ना जब वो 100% डिसोसिएट कर रहा है, इतनी बात हम पहले आपको पढ़ा चुके हैं, याद करो मैंने आई का जो फॉर्मूला निकालना सिखाया था आपको। लेकिन अब देखो क्या होता है बेटा जो हमारे पास चीजें आती हैं इसमें क्या करते हैं हम, अब मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये 100% तो डिसोसिएट हो नहीं रहा, ये कुछ परसेंट डिसोसिएट हो रहा है बेटा। क्लियर, 100% होता तो सीधे निकल ही आता। अब देखो अब ये मान लीजिए कितना है हमारे पास 50% डिसोसिएट हो रहा है, क्लियर, 50% मतलब आधा, तो अब हम यहाँ क्या कह सकते हैं, ये 1 मॉलिक्यूल है और 1 में से डिसोसिएट कितना हो रहा है जी, आधा हो रहा है। क्लियर, तो आधा बचेगा भी ना। क्लियर, यहाँ पे फिर और करके मैं हाफ भी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, इतनी बात बताओ भाई, देखो पूरा 1 मॉलिक्यूल था 100% डिसोसिएट हो रहा 0 हो गया, लेकिन अब क्या 50% डिसोसिएट हो रहा है तो 1 - ½ हो गया है ना, और इक्वल टू यहाँ भी आप बताओ कि जब 1 मॉलिक्यूल था तो उससे हमारे पास 4 बन रहे थे और 1 बन रहे थे, तो अब यहाँ भी इसके 50% इसके भी 50% बनेंगे कि नहीं बनेंगे, तो ये भी 2 और हमारे पास हाफ बनेगा नहीं बनेगा। क्लियर, तो इसी चीज को बेटा इन्होंने ओवरकम करने के लिए क्या करा, अब ये हाफ क्या है, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ही तो है, इसी को तो हम किससे बोलते हैं, अल्फा से बोलते हैं। ठीक है ना बेटा, तो इस चीज को मेंशन करने के लिए इन्होंने क्या किया, आप ध्यान से देखना। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या है, ये मान लीजिए 1 था है ना, ये क्या है अल्फा, तो 1 - α देखो जितना डिसोसिएट हुआ उतना उसमें से कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और यहाँ क्या था, जैसे मान लीजिए पहले मैं पहले 100% वाली कंडीशन ही लिखा रहने देता हूँ जिससे आपको समझना आसान हो जाएगा, अब लेता हूँ मैं अल्फा वाली डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब 50% और 50% क्या है अल्फा, तो बेटा ये जो हमारे पास 1 था 1 में से कितना कम हुआ है ना 50% कम हुआ ना इसमें से। ठीक है, और यहाँ बना कितना, तो ये 4α × α आएगा कि नहीं आएगा, आप मुझे बताओ। क्लियर, मतलब वो वही अभी जैसे क्या करा था, याद करो मैंने 4 × ½ किया था कि नहीं किया था,
तो वही हाफ की जगह क्या लगा दिया मैंने, अल्फा लगा दिया। बताओ बेटा ये वाली चीज समझ में आई कि नहीं आई? जैसे याद करो अभी मैंने क्या कहा थोड़ी देर पहले, ये जो वन था, वन में से हमारे पास कितना कम हुआ 50% अल्फा, तो ये वन माइनस अल्फा था हमारा। और इधर क्या था बना कितना जी, 4 into alpha, और यहाँ पे क्या था 1। अगर मैं इसको देखूँ तो बेटा देखो 1 into alpha, क्लियर? तो ये चीज समझ में आ गई आपके पास कि नहीं है? हाँ जी बच्चों, देखो मेन चीज ये बताओ मुझे, ये तो हुआ न्यूमेरिकल फॉर्म में समझाना है ना, और यही उसी की क्या है बेटा मतलब अनोन फॉर्म। जैसे अल्फा मानते हैं हमें 20% दे दे, 30%, 40%, 70% कुछ भी दे दे, तो यहाँ हम एक जनरल चीज बनाएंगे जिससे फॉर्मूला बन के मतलब ये वाली वैल्यू निकल के आएगी। हाँ जी बताओ जल्दी से तनिष्का, ये वाली चीज समझ में आई कि नहीं आई, ये वाली 1 minus alpha वाली? ठीक है वरुण आई बेटा? हाँ जी वरुण, चलो ठीक है तो आगे बढ़ता हूँ फिर अब मैं, क्लियर? जब ये वाली बस मुझे बस इस पे वो था कि बच्चे को ये बनाना आ जाए, क्योंकि बेटा देखो हर न्यूमेरिकल में ये कोई फिक्स, जैसे यहाँ तो फिक्स है तभी तो फॉर्मूले वाला तरीका आसान है, लेकिन यहाँ क्या है ये बदल बदल के आएगा। जैसे मैं 2-3 इक्वेशन की बनवा के दिखाऊंगा आपको, ठीक है ना, अभी आपको ये बना के दिखाता हूँ 2-3 इक्वेशन की, आप देखना ठीक है। तो हमारे पास क्या है देखो बेटा यहाँ से, आप सही है कि भाई जितना भी है, तो हमारे पास 50% डिसोसिएट अगर हो रहा है तो 50 इसमें से कम हो जाएगा है ना, और उतना ही यहाँ फिर बनेगा, क्लियर? यहाँ से देखो 1 molecule से 4 बन रहे थे, 1 बन रहे थे, तो अब इससे जो 50 भाई यहाँ मान लो 4 molecule है तो 4 के 4 कम नहीं होंगे ना, उसके 50% कम होंगे, तो 4 alpha into alpha, क्लियर? कुछ बच्चे देखो बच्चों को डाउट क्या रहता है वो डाउट बता दो, जैसे यहाँ माइनस हुआ है, यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है अल्फा का, तो बच्चे जो प्रॉपर समझ नहीं पाते उनको ये डाउट बना रहता है कि सर 50% जो अल्फा की वैल्यू थी यहाँ तो आपने डिडक्ट करी और यहाँ मल्टीप्लाई करी। तो बेटा देखो सिंपल सा, तभी तो मैं आपसे कह रहा हूँ आप इधर से देखो सीधा सा, 1 molecule था वो आपके पास शुरू में ये 0 था, बिफोर डी में ये 0 था, लेकिन जब ये डिसोसिएट हो गया पूरा परसेंट तो यहाँ क्या हो गया 0। ये 0 कैसे बना, ये 0 कैसे बना बेटा, 1 में से 1 घटा तभी तो 0 बना, कि जो था वो 100% डिसोसिएट हो गया, तो 1 minus 1 यहाँ भी था, क्लियर है पॉइंट? और हमारे पास फिर जब 1 में से पूरा का पूरा 1 डिसोसिएट हो गया तो वो क्या बन गया 0, क्लियर? और अब बना कितना, ठीक है बेटा, तो हमारे पास 1 molecule से 4 बन रहे हैं, क्लियर है भाई? तो फिर यहाँ पे भी हम क्या करेंगे कि वो 4 पूरा का पूरा आ गया, 4 into 1 और 1 आ गया, समझ में? तो वही चीज देखो यहाँ पर हुआ है कि 1 में से 1 है या 1 में से अल्फा है, हमारे पास अल्फा मतलब हाफ है ना, या 4 into 1 बन गया, ठीक है बेटा? आप देखो बेटा जल्दी से, अगर आपको ये कंडीशन समझ में आ गई तो कोई बड़ा इशू ही नहीं है ये वाली, क्योंकि अब देखो क्या होता है, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है बेटा, ठीक है ना? अब इस पे देखो हम क्या करेंगे, जब आई की वैल्यू निकालेंगे, आई बराबर क्या होता है ना, आफ्टर डिसोसिएशन आपके कितने बचे, तो 1 में से अल्फा डिसोसिएट हुए हैं, बचे कितने हैं 1 माइनस अल्फा, तो ये हमारे पास हो गया प्लस, ये कितना बचा हमारे पास बेटा 4 अल्फा प्लस अल्फा, और बिफोर डिसोसिएशन कितना है बेटा हमारे पास आपके 1 plus 0 plus 0, ठीक है? तो हमारे पास क्या बच गया देखो, आप इसको करोगे तो यहाँ पे देखो ये प्लस में ये माइनस ये कटा, 1 plus है ना 4 alpha, और अपॉन में तो नीचे बनाए नहीं, ठीक है? अब आई बराबर हो 1 plus 4 into ये क्या है 50%, और 1 plus 4 alpha की वैल्यू तो है बेटा 50%, 50% रहता होगा तो क्या आ गया 100, तो ये क्या हो गया 2, पर इस 2 से बेटा देखो ये जाएगा तो ये 2 times आएगा, तो आई बराबर देखो कितना आ गया, यहाँ भी हमारे पास आई बराबर 3 आ गया कि नहीं आ गया? हाँ जी बच्चों बताओ, परंजीत ये समझ में आया नहीं आया? हाँ जी परंजीत बेटा जी वाला है, यस सर नो सर, समझ में नहीं आ रहा यस कह रहा है नो, पता नहीं, एक बार मैसेज में लिखियो, आवाज ब्लर कर रही है मतलब भड़बड़ा रही है, तो कोई नहीं बाकी बच्चे समझ देखो, ठीक है? तो ये कंडीशन बनाना इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक और इक्वेशन पे बना के दिखाता हूँ कि जैसे हमारे पास क्या कंडीशन है, ओके जैसे हमारे पास इक्वेशन है देखो बेटा, जैसे N2 plus 3H2 है मान लीजिए, यार ये तो चलो इस टाइप से, यहाँ 2NH3 = क्या होता है N2 plus 3H2 होता है, क्लियर? तो अब हमारे पास यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या है, ये 2 molecule है, तो हम देखें अगर शुरू में ये 2 है और ये 0 है, ये 0 है बिफोर डिसोसिएट मतलब है ना, और जब ये 100% डिसोसिएट होगा तो क्या हो जाएगा 2 में से 2 पूरे कम हो जाएंगे,
और टू मॉलिक्यूल्स में से वन कितने रहे हैं जी, वन है ना, और यहाँ कितने बन रहे हैं थ्री। तो ये तो हमारे पास समझ में आ गया, जब टू मॉलिक्यूल पूरी तरीके से खत्म होंगे तो वो हमारे क्या बना रहे हैं, वो हमें रिएक्शन ही बताती है। टू मॉलिक्यूल खत्म हो गए यहाँ कितने बन रहे हैं, या कुछ भी नहीं होता तो क्या होता है, वन वन बन रहा है और थ्री बन रहा है। आगे समझ में, अब मुझे इसमें अल्फा करना है ना, तो बेटे यहाँ क्या होगा, अब टू में से ही अल्फा कम होगा ना, पॉइंट आ गया ना समझ में, तो टू माइनस अल्फा क्लियर, और इधर में क्या हो जाएगा अल्फा प्लस थ्री अल्फा, क्लियर है। तो इस तरीके से बेटा हमारे पास ये चीजें बन के आ जाएंगी, क्योंकि यहाँ ये भाई टू में से कम कितने हुए जी अल्फा, क्लियर है। तो इस तरीके से आप बना, तो ये डिफरेंट डिफरेंट सवालों पर बेटा ये कंडीशन जो है बेटा वो अलग अलग बन के आएगी। चलो तो इतनी चीज हुई, तो देखो आई की वैल्यू, अब आप ही बताओ एक आप इतने तरीके से आई निकालो क्लियर, और एक आई फॉर्मूले में रख के सीधे सीधे आ गई, बस आपको वहां पर एक जो याद रखने वाला पॉइंट है एन, एन क्या है आफ्टर डिसोसिएशन कितने नंबर ऑफ आई मिले, तो आप खुद ही बताओ बेटा एक आई की वैल्यू, ये भी थ्री आई है और ये भी देखो थ्री आई है, कौन सी आसान है। हाँ जी दीपेश, कौन सी आसान है आई की वैल्यू निकालनी है, इस वाले में, इस वाले में। हाँ लेकिन पता है होता क्या है बेटा, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसमें आपको यही अप्रोच लेनी पड़ती है, तो हमें दोनों आने चाहिए, पॉइंट मेरा समझ रहे हो, हमें दोनों आने चाहिए। तो पहले तो बेसिक आसान फॉर्मूला, और मैंने आपसे बोला था आपके बोर्ड तक में कोई ऐसे सवाल नहीं आते जो सारे के सारे सवाल इससे हो जाते हैं, कुछ एक दो सवाल है ना वो इस पे बेस्ड करते हैं। चलो जी आप देखो बेटा हमारा एक टॉपिक लास्ट बचा है क्या, वो और देखते हैं वो क्या होता है। वो हमारे पास है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वो डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट, ठीक है, डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट क्या होता है, इसको बेटा के से रिप्रेजेंट करते हैं, और के अल्फा, कुछ बुक्स के अल्फा से करती हैं बेटा है ना, कुछ के से करती हैं, आप दोनों में से जो चाहे वो कर दीजिए। और इसका फॉर्मूला होता है सी अल्फा स्क्वायर अपॉन है ना वन माइनस अल्फा, ठीक है बेटा क्लियर। तो ये फॉर्मूला भी अच्छा मैंने अब रफ कर दिया, नहीं तो मैं अभी उसी से बना के दिखा देता, जो अभी हमने अल्फा अल्फा वाला बनाया था ना, ये चीज भी उसी से बन जाती। तो आप देखो हमारे पास क्या होता है, कई न्यूमेरिकल ऐसे हैं जिसमें डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट की वैल्यू दे रखी होती है, तो आप यह निकालनी होती है। जैसे आपने देखा यहाँ से पहले अल्फा और आई का रिलेशन है, हमें अल्फा दे रखा था तो हमने अल्फा के बेसिस पे आई निकाल, ठीक है, ऐसे अल्फा दे रखा होता है तो उसी के बेसिस पे क्या निकालते हैं, डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से ये चीजें होती है, तो आप एक फॉर्मूला ये याद रखें, ठीक है बेटा, के अल्फा है ना, या के अल्फा या के डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट सी अल्फा स्क्वायर माइनस वन माइनस अल्फा। अब ये बनता कैसे अगर आप ये देखना चाहें बेटा, चलो तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन में पढ़ा देता हूँ, बता देता हूँ, तो आप वो ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, ये फॉर्मूले भी कैसे बनते हैं और कैसे नहीं बनते हैं, ठीक है। तो देखो हमारे पास जो हाइड वाली चीजें आई वो क्या आई, देखो कोई मॉलिकुलर मतलब कोई जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर की प्रॉपर्टी, मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वो है मतलब प्रॉपर्टी, तो हाँ बेटा, हाँ सी बेटा कंसेंट्रेशन है, जो आपको सॉल्यूशन बन के तैयार हुआ है ना उसकी कंसेंट्रेशन। और देखो इसमें वही वाली चीज, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर का न्यूमेरिकल है तो वहाँ कंसेंट्रेशन मोलैरिटी की फॉर्म में होती है, तो सी क्या है, मोलैरिटी है। और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट की अगर प्रॉपर्टी दे रखी है बेटा, क्लियर, तो वहां पर यही चीज कंसेंट्रेशन क्या बन जाएगी फिर। हाँ जी बताओ भाई, देखो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होता है, डेल्टा टी वी इक्वल टू के वी इंटू एम होता है, एम मतलब मोलैलिटी, ठीक है। तो अगर यही डिसोसिएशन कांस्टेंट आपसे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट में पूछे, तो यही चीज क्या बन जाती है आपकी बेटा, कंसेंट्रेशन, क्या वहां भी उसमें कंसेंट्रेशन क्या काम में आई, मोलैलिटी, ठीक है। तो ये कंसेंट्रेशन, क्लियर। चलो तो आप देखो बेटा ये हमारे पास ये फॉर्मूला वहां से है, तो अब आप उससे निकाल सकते हो। तो देखो एक न्यूमेरिकल है वो आपको करके दिखाते हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखो, ठीक है। ऐसे ही जैसे बेटा देखो ये मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बना दिया है, ऐसे ही जो यहाँ कंडीशन थी हमारी है ना 100 करके थी अभी, और वो मतलब 1 माइनस अल्फा करके थी और 4 अल्फा और अल्फा, ऐसे ही इनके तरीके से ये वाला फॉर्मूला भी बनता है, ये फॉर्मूला भी उसी तरीके से बनता है आपके एनसीईआरटी में जो सॉल्व एग्जांपल्स है वहां दे रखे हैं, ठीक है। तो वहां उन्होंने क्या करा है बेटे, इस वन को यहाँ पे क्या माना है, सी माना है कंसेंट्रेशन, आप ध्यान से देखना है ना। तो चलो पहले मैं एक न्यूमेरिकल करा दूँ, फिर इसमें पढ़ेंगे, टाइम हो जाए तो एक न्यूमेरिकल है वो ऐसा करा देते हैं, जिसमें बेटा ये डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट अल्फा और आई
तीनों का यूज है, क्योंकि इस चैप्टर का जो सबसे बड़ा न्यूमेरिकल होता है बेटा, है ना, जो इस एग्जाम में आए तो 3 मार्क्स में आता है, ठीक है बेटा, तो वो यही होता है जिसमें अल्फा की जरूरत भी पड़ती है, जिसमें आई भी होता है और आपके पास डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट के है, क्लियर पॉइंट। तो देखो ये कैसे न्यूमेरिकल करा रहा हूँ वो ध्यान से देखना, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या दे रखा है, वो कैलकुलेट द, जो 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 पॉइंट दे रखा है मैं लिखता जा रहा हूँ बेटा, कैलकुलेट द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है, व्हेन 10 ग्राम ऑफ कंपाउंड है, तो कंपाउंड क्या दे रखा है देखो बेटा, तो अमाउंट ऑफ या वेट ऑफ जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट क्या दे रखा है, CH3, CH2, CH, Cl, है ना, और COOH, ये सॉल्यूट दे रखा है, और ये कितना दे रखा है बेटा आपको 10 ग्राम दे रखा है, ठीक है, इज एडेड इन इनटू द 250 ग्राम ऑफ वाटर, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट आपको दे रखा है बेटा क्या, वेट ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट कौन है हमारा बेटा, वाटर, वो दे रखा है कितना 250 ग्राम, आगे समझ में। और आपको ये दे रखा है यहाँ पे के ए, डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट जो के ए है वो आपको दे रखा है बेटा क्या, 1.4 × 10⁻³, और के एफ फॉर वाटर, ठीक है, के एफ फॉर वाटर भी आपको दे रखा है 1.86, है ना, कैलविन के जी, है ना बेटा, मोल इनवर्स, ठीक है। तो आपको ये दो चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है, ये गिवेन है, डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट की वैल्यू गिवेन है और आपको के एफ और वाटर की वैल्यू गिवन है, ये चीज़ है, ठीक है। तो आप ये चीज़ है, आप देखो एक बार इसके मोलर मास की देखो जरूरत पड़ेगी, तो आप जरा ऐड करके इसका निकालो, देखो ये मैं हम साइड में निकाल लेते हैं, ठीक है, नहीं बेटा, तो देखो कितना बेटेगा मोलिकुलर वेट जो आएगा, है ना, या मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट, देखो कार्बन का, देखो हमारे पास ऐसे यूनिट वाइज जोड़ लो भाई, कार्बन 12 और 3 हाइड्रोजन का कितना हो गया 15, ठीक है, 12 CH3 का इसका पूरा का 15 हो गया, इसका क्या होगा 14 होगा अगला, फिर देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 + 1 13 हो जाएगा, क्लोरीन का 35.5 हो जाएगा, ठीक, फिर इसका कितना आएगा आपके पास कार्बन का, फिर 12 और 16 + 16 + 1, ठीक है, इसको ऐड करोगे तो आपका इसमें कितना दे रखा है, देखो इसमें मॉलिकुलर वेट आपको दे रखा है बेटा 122.5, सौरभ एक बार देखना यही आ रहा है 122.5, ठीक है, मैं जब तक आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ तो आप इसको थोड़ा देखो ध्यान से, है ना। आप देखो बेटा हमारे पास मेन चीज क्या है सॉल्यूट की, सर मुझे बताना एक बार, ये भाई इतना ही आ रहा है कि नहीं आ रहा, CH3 CH2 CH Cl COOH, हाँ जी बेटा, आप देखो बेटा जिससे मैं पूछूँ वो ध्यान से बताना, ये जो सॉल्ट है मैंने आपसे बोला सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है न्यूमेरिकल करने से पहले, सॉल्ट को देख के हमें ये देखना पड़ता है कि इसमें एसोसिएशन होगा डिसोसिएशन होगा या कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि तभी तो बेटा हम बस फॉर्मूला, मान लो ये सवाल किसका है फ्रीजिंग पॉइंट का है, तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम, ये फॉर्मूला बनेगा या ये बनेगा, ठीक। वैसे तो देखो तुम्हें हिंट दे रखा है कि जब डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट की वैल्यू दे रखी है कि समझना कि इसका मतलब क्या है, डिसोसिएशन एसोसिएशन का केस होगा तभी तो के दे रखा है, ठीक है, नहीं लेकिन इसमें देखो एक कॉन्सेप्ट क्या है हमारा जो आप को दिक्कत होती है, ये COOH है, इसमें ओ OH एच दिख गया बेटा, और हमने आपको पढ़ाया था जिसमें ओ OH होता है ठीक, वहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो क्या होगा एक ये वाला मॉलिक्यूल इस ओ OH की वजह से माइनस माइनस डेल्टा और प्लस डेल्टा बनेगा, सेम इसी तरीके से मान लो एक दूसरा मॉलिक्यूल है HOCOOH CHCl, है ना, CH2 और CH3, तो इसमें डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू ये दो मॉलिक्यूल डाइमर बन जाने चाहिए, और डाइमर बनने चाहिए तो क्या होगा ये एसोसिएशन का केस होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये एसोसिएशन नहीं बल्कि उल्टा डिसोसिएशन का केस हो जाता है, समझ में आया, तो कोई मुझे बताएगा ऐसा क्यों हुआ भाई, देखो हमने जो सीखा भाई ओ एच अगर किसी में है चाहे वो एल्कोहल हो चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड हो, तो उसमें ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो यूनिट मिलकर डाइमर बना लेना चाहिए, एसोसिएशन का केस होना चाहिए सॉल्ट सॉल्यूट में तो, लेकिन ये डिसोसिएशन का केस होता है, हाँ जी कोई बताएगा बेटा, हाँ जी सौरभ, सौरभ वह चला गया अभी कैलकुलेशन भी नहीं बताई उसने, अरे इशू तो है बेटा,
अच्छा कैलकुलेशन सही है। चलो हाँ जी, इस बात का आंसर बताओ बेटा जल्दी से। हाँ जी, टेनिस का बताओ भाई। OH वन हुआ है तो हमने सिखाया, आपकी किताब में लिख रहा था। OH के केस में क्या होता है, डाइमर बनाते हैं। स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, आंसर मिल जाएगा। हाँ जी ज्योति, स्ट्रक्चर ध्यान, सवाल समझ गया मेरा क्या है कि OH होने की वजह से इसमें एसोसिएशन होना चाहिए, है ना, ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग डायमर बनना चाहिए। बट इसमें ये मैं आपको बता रहा हूँ कि डिसोसिएशन होता है, एसोसिएशन नहीं होता, तो उल्टा काम क्यों हुआ, यही परसेप्शन बन जाता है फिर। इसी जैसे दो तीन सवाल सॉल्यूट है जो एक्सेप्शन बन जाते हैं। विश्वा, हाँ जी विश्वा बेटा, बताओगे, बताओ ये डिसोसिएशन एसोसिएशन की जगह डिसोसिएशन क्यों होने लगा इसमें। अरे कोई बात नहीं, पता हो बता दो, पढ़ रखा होगा तो बता दोगे, बता दो, कोई शर्माने वाली बात नहीं है। अब तो मैं ही पूछ रहा हूँ। हाँ जी मानसी, मानसी बेटा, मानसी आवाज आ रही है। पुष्पा बेटा अपना म्यूट करो, पुष्पा अपना म्यूट करो। चलो जल्दी से, तो फिर मैं बताता हूँ, ध्यान से देखना बेटा, ठीक है। तो देखो बेटा, यहाँ होना, तो अगर अभी यहाँ पर ये Cl नहीं होता बेटा, Cl की जगह यहाँ पर H ही होता, तो देखो क्या होता, वही सेम, क्योंकि ये कार्बन चेंज होती है, क्लियर। ये तो देखो, अभी ये एच हट के सी एल आ गया। सी एल में आते ही क्या हुआ बेटा, एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर लग गया। देखो मैं यहाँ पे इंडिविजुअली बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। तो जनरल मैकेनिज्म क्या होती है बेटा एसिड से एच निकलने की, ठीक है, वो थोड़ा ध्यान से देखना, तो आपको ऑर्गेनिक में भी काम आएगी। और थोड़ा बहुत देखो, ये कार्बन चेन अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉनों को पुश करती है प्लस, ठीक है बेटा, मतलब ये अपनी तरफ से पुश करते हैं इलेक्ट्रॉन। और ये देखो ऑक्सीजन देख रहे हो, ये नेगेटिव है, ये भी ऑक्सीजन, ये भी अपनी ओर पुल कर रहा है, ये हाइड्रोजन के भी पुल कर रहा है, ये ऑक्सीजन के भी पुल कर रहा है, ऑक्सीजन मतलब ये ऑक्सीजन दोनों के पुल कर रहा है, हाइड्रोजन के भी कार्बन के भी। इधर ये ऑक्सीजन अपनी ओर खींच रहा है, टू डेल्टा नेगेटिव टू डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है। और ये तो पाई इलेक्ट्रॉन है, वी के जल्दी से ट्रांसफर हो जाएंगे, तो यहाँ कंडीशन क्या बनेगी बेटा, आप खुद ही सोच के बताओ। ये वाले पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे पहुंच गए, पहले से ऑक्सीजन पे थे, ये पाई बॉन्ड के दोनों इस पे पहुंच गए, तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऊपर से पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये कंप्लीट प्लस और कंप्लीट माइनस बन जाएगा। अब आप मुझे बताओ, मैं ये केमिकल बॉन्डिंग में आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, कि ये ऑक्सीजन अब अपनी ओर खींचेगा, ये कार्बन खींचेगा। हाँ भी तनिष्का, अभी भी ऑक्सीजन खींचेगा, अब तो कार्बन पे वन पॉजिटिव आ गया। वन पॉजिटिव का मतलब समझते हो, कार्बन पे अभी इलेक्ट्रॉन आठ ही नहीं हो रहे। अब आप देखो कार्बन के इलेक्ट्रॉन, देखो पहले कितने थे, ध्यान से देखना, देखो आप बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करोगे तभी समझ में आएगी आपको। देखो अभी ऑक्सीजन है ये वाला, इस ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, 1 2 3 4 5 और एक 6, ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, और वन वन शेयरिंग करके होगा, एक इससे वाले किससे, तो इसमें एक पूरे हैं। अब आओ इसमें देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस ऑक्सीजन के भी एक पूरे हैं, ठीक है। अब आओ कार्बन के, कार्बन के भी 6, तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 और 7 और एक 8, सबके पेट पूरे हैं। जब बेटा सबके पूरे होते हैं और पेट पूरे होते हैं, तो वही खींचेगा जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये ऑक्सीजन इसके खींचेगा और इधर इसके खींचेगा, इतनी बात समझ आ गई। यहाँ पर ये ऑक्सीजन खींचेगा, क्योंकि सब वो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अब लेकिन जैसे ही इस ऑक्सीजन ने अपनी ओर खींचे, इसमें एक पाई बॉन्ड था, तो ये पाई बॉन्ड वीक होने से टूट गया, तो इसमें ये ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन पे यार कार्बन का इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, जिसकी वजह से कंप्लीट माइनस बन गया, इसमें कंप्लीट प्लस आ गया। और जब कार्बन का इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हो गया, अब जरा इस कार्बन के काउंट करो कितने हो गए बेटा, 1 2 3 4 5 6 हो गए, और इस ऑक्सीजन के अभी भी 8 है बेटा, इस कार्बन के तो 6 है लेकिन इस ऑक्सीजन के अभी भी 8 है। अब बताओ कार्बन जिस पे 1 पॉजिटिव है,
वो अपनी लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन रख रहा है, और वो ऑक्सीजन जो मोर इलेक्ट्रॉन है वो 8 इलेक्ट्रॉन रख रहा है। इलेक्ट्रॉन का ज्यादा भूखा कौन है, ये कार नहीं है ऑक्सीजन? हाँ जी दिनेश, कार अभी भी ऑक्सीजन है बेटा, उसकी तो ऑक्टेट तो पूरी है, कम से कम ऑक्सीजन की वैलेंस चल रहा है, इलेक्ट्रॉन तो है यहाँ पे। इस कार्बन वाले ये ऑक्सीजन खींच के ले गया, इसमें तो अपने 8 ही पूरे नहीं है। अब बताओ स्टेबल कौन ज्यादा होगा, ऑक्सीजन या कार्बन? भाई जिस जो को हाँ, कोई एलिमेंट जिसके 8 ही नहीं हो पा रहे, कोई एटम जिसके इलेक्ट्रॉन 8 ही नहीं हो पा रहे, और एक एलिमेंट ऐसा है जिसके 8 तो है कम से कम, तो मोर स्टेबल कौन होगा जिसके 8 पूरे हो गए, और अनस्टेबल कौन होगा जिसके 8 पूरे नहीं हो पा रहे अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए? फिर आप बताओ, जब इसमें 8 नहीं हो पा रहे तो आप खींचने की पावर ऑक्सीजन में हो जाएगी कि कार्बन में? तो यहाँ इनकम्प्लीट ऑक्टेट होने की वजह से, और इसके बगल में भले ही ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन के भी खींचने लगेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के 8 है और कार्बन के 6 है, अभी उसकी ऑक्टेट भी पूरी नहीं है। तो फॉर कंप्लीटिंग देयर ऑक्टेट वो अपने इधर से देखो, ये तो इसे दे ही रहे हैं, ये वाला जो हिस्सा है ये तो इस कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन अपने आप दे ही रहा है प्लस आई के थ्रू, वो इससे खींचने चाहिए, समझा नहीं बेटा? तो यहाँ इफेक्ट हो जाता है उल्टा, तो ये इसके खींचते हैं, और जब इसके खींचते हैं तो एच निकलता है, क्लियर? जब ऑक्सीजन ये कार्बोक्सिलिक एसिड के एच निकलने की मैकेनिज्म होती है, ठीक है? लेकिन क्या होता है, जब तक ये काम होता है उससे पहले ही, जब उसके बगल में बेटा एक डाइमर मिल गया उसको, मान लो ये CH3 CH2 CH2, तो जब तक ये एच निकलता उससे पहले ही क्या हो गया, वो इसके डेल्टा माइनस के साथ और ये इसका डेल्टा प्लस इसके डेल्टा माइनस के साथ बन गया, जब तक ये एच निकलता ये वाला बॉन्ड टूटता, समझा? ये वाला बॉन्ड टूटता तभी तो बेटा ये वाला कार्बन बनेगा, ये कार्बन बनेगा तो एच निकलेगा, लेकिन ये पाई बॉन्ड टूटने से पहले ही समझाया वो इसके साथ डायमंड बना लेता है, इसलिए पाई बॉन्ड टूटता ही नहीं है, जब पाई बॉन्ड टूटता ही नहीं है बेटा तो ये ऐसे गायब रहेगा, ठीक है? इनकी इस तरीके से डायमंड बनते ही मैकेनिज्म होती है, ये पाई बॉन्ड टूटता उससे पहले ही ये डायमंड बन गया, जब डायमंड बन गए एच पहले इसके साथ बनाओ वो बन गया तो निकलेगा कहां से, तो ये तो हो गई इसकी मैकेनिज्म। अब आप देखो क्या हुआ बेटा, इसकी जगह जब यहाँ का केस होता है बेटा, जैसे CH3 CH2 CH और इधर एक Cl आ गया और वो इसी डबल बॉन्ड O और OH, ऐसे ही एक दूसरा मॉलिक्यूल मान लो इस तरीके से C डबल बॉन्ड O CH Cl CH2 और CH3, अब इसमें भी वही डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस ये इससे बन जाना चाहिए, ये इससे बन जाना चाहिए, क्लियर? यहाँ क्या होता है बेटा, जैसे ही इनका डाइमर बनता है, ठीक है, डाइमर बनने से पहले ये Cl अपना रंग दिखा देता है, समझ में आ गया नहीं? जब तक इनका डाइमर बन पाता उससे पहले ही Cl भी क्या है, देखो FONCl चौथे नंबर का इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, अब ये Cl अपनी ओर खींचेगा, Cl खींचेगा इस कार्बन के, ये तो दे ही रहा है इन कार्बन को, लेकिन इस Cl के खींचने पर ये इधर की तरफ पुश लगने लगता है, इसके तरफ पुश लगेगा तो ये पीछे से लगेगा और इधर वैसे लग रहा है। अब इस कार्बन पे देख रहे हैं कितने कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉनों को ऑक्सीजन खींचने लगा, कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन ये वाला कार्बन खींचने लगा, क्यों खींच रहा है, क्योंकि इस पे पीएच खींचे Cl खींच रहा है, तो इस कार्बन पे कितना ज्यादा प्रेशर आ गया कि कार्बन के 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो ये सेकंड नंबर के इलेक्ट्रॉन नेगेटिव खींच रहा है, और 4 में से 2 यहाँ खींच गया, 1 इधर खींच गया साइड Cl आने की वजह से। तो यहाँ पर जब तक डाइमर बन पाता उससे पहले ही बेटा ये कार्बन तेजी से ओके खींचता है और वो तेजी से एच के खींचता है और एच निकल के बाहर हो जाता है, एच पॉजिटिव बन गया, ऐसे इसका एच पॉजिटिव। अब जब ये बेटा एच पॉजिटिव ही फ्री हो गए तो फिर डाइमर में डाइमर फॉर्मेशन कैसे होता है, समझ आया? तो Cl के पीछे की तरफ इलेक्ट्रॉन पुल करने की वजह से, ठीक है 2 मिनट बाद चले जाना, तो Cl के बेटा इलेक्ट्रॉन पुल करने की वजह से क्या हुआ कि ये जब तक इसके OH और इसके OH के बीच में डाइमर बनता, वो डाइमर बनने से पहले ही बेटा क्या हो जाता है, एच निकल जाता है, तो जब OH में डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस ही नहीं बचा तो कहां से बेटा वो, अजय पॉइंट समझ में, क्लियर पॉइंट? तो ये होता है, ठीक है? चलो बाकी इसी को अगला कल कंटिन्यू करा देंगे ना मैं तुमको, ठीक है? नहीं गुड मॉर्निंग के अभी हुआ तो नहीं, बस बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ, आप अपनी क्लास कर लेंगे, ठीक है? बाकी जो मैंने न्यूमेरिकल दिए हैं आप इस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को, सारी डिसोसिएशन कांस्टेंट वालों को छोड़ के, ये 3-4 न्यूमेरिकल मिलेंगे जहाँ तक 5 होंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट के, इनको छोड़ के बाकी सारे कर, ठीक है? ये कल के बाद कर, ठीक है? अपनी क्लास कर लूँगा नेक्स्ट। हाँ बेटा,
बोलो बेटा। नहीं, मेरे पास सॉल्यूशन का देख नहीं पाया है ना। अभी तुम इंग्लिश की क्लास करो और मेरी क्लास इतने बजे खत्म होगी, दूसरी लाइन की 1 बजे मेरी क्लासेस खत्म होंगे, तो मुझे 1 बजे बाद कॉल कर देना, बता दो तब तक तो देख लूँगा। ठीक है ना, चलो कर ले लें, कल पहले वाला सवाल करा देंगे फिर वो करा देंगे, है ना। ठीक है, हाँ जी अनुज, रविंदर और दुष्यंत क्विट कर दो दोनों, इंग्लिश की क्लास कर लो। हाँ जी दुष्यंत, कौन सा? कोई नहीं, ये कल दोबारा कराऊंगा, अभी जो मैंने ये बोर्ड पे है। हाँ और इसकी सॉरी क्या है, तो वो मैं बताता रहा हूँ, लिटिल पर लिटिल स्क्वायर जो है वो वहां पे मैं वो जूल वो जो था जूल का टाइम होता है, मीटर इंटू मीटर का होता है, लिटिल पर मीटर स्क्वायर में नहीं था वो, हमने लीटर को कन्वर्ट किया है मीटर क्यूब में। ठीक है ना, वो जो मैं परसों कह रहा था कि जूल को लीटर पर मीटर उसमें कन्वर्ट करेंगे, वो जूल का रिलेशन न्यूटन इंटू मीटर में होता है। ठीक है ना, तो वो कन्वर्जन नहीं था, वो लीटर को कन्वर्ट किया था किसमें बेटा, मीटर क्यूब में। ठीक है बेटा, ठीक,